चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा छठवीं की, हमारा अतीत के नाम से जो आपकी बुक्स है इसको देख रहे हैं हम लोग। इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर में बात की थी आरंभिक नगर। इसमें बात करने वाले हैं क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, अध्याय 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। आप लोगों से फिर कहूँगा, और मैं बार बार यही कहूँगा कि आप लोग कक्षा 8वीं तक की जो भी आपकी NCERT बुक्स हैं, इन्हें एक बार कहानी की तरह पढ़िए, चाहे फिर सुनिए। ठीक है, इन्हें एक बार आप कहानी की तरह पढ़ लीजिए। मेरा मानना है कि आपको 70 से 80% आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा जब आप रिवीजन करेंगे एक बार दोबारा, तो पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक, पुस्तक में मेरी मेरी जैसे कि घंटी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज भी पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था, और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई अलग अलग किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मैरी सोचने लगी, वेद क्या है? चलो पता करते हैं लोग। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3,500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1,000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से देवता हैं वो? अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग का देवता, अग्नि है जो इसके आग का देवता, इंद्र योद्धा का देवता, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। ठीक, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों में के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा का परिवार है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं, जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए, मात संस्कृत में, माँ हिंदी में, मदर अंग्रेजी शब्द को देखते हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया गया था, श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास
और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूत कांश है, ये ऋग्वेद की एक पांडुलिपि है, ठीक है, भोज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी लगभग 150 साल पर वर्ष पहले। ऋग्वेद को सबसे पहले बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि आपकी पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है अभी भी। ठीक, अब बात करते हैं विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने वचनों को चाटती हुई दो धमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां क्या होती हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदियां बोलें। फिर विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां क्या बोलती हैं? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। भी यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों का को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार है, याद रखना, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार। ठीक, मवेशी और घोड़े, रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर कुत्तों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जो जैसी जल्द तैयार होने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा मवेशियों के लिए, गायों के लिए लड़ा जाता था। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी उपयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी इस समय तक, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध बाद शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। फिर राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व या भरत जन, विश्व यदुजन, विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य करते थे तथा
तथा अपने विरोधियों को दास या दस्सी कहते थे। दस्सी वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास भी स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों एक अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोश पहली कहानी महापाषाणों की। यह शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर देखे जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर। ये हैं देखिए, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एक ही प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों द्वारा कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य सूची की बनाई है उन्हें क्रमबद्ध ये ऊपर दिया गया। महापाषाण को ताबूत समाधान श्रेष्ठ कहा जाता है। यहाँ देखिए ये, ठीक है, यह कब्र। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंगाल सामान और पत्थर और सोने के गहने। देखिए महापाषाण काल में मिले लोहे के सामान, बाई ओर घोड़े के सामान, ये आपके कुल्हाड़ियां हैं और ये नीचे कटार है, ठीक है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना कैसे करेंगे? पुरातत्व यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी की खोज, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र से में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन में ही पाए गए। दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे, दूसरे अनुयायी थे, ठीक। क्या कुछ कब्र गायें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, ठीक। इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3,600 से 2,700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को त्रया गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबों के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कब्रों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक है। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी, सबके पैर मुड़े हुए हैं। तो ये मतलब बड़े किसी बड़े सरदार कर रहा होगा, ठीक है। क्या बताते हैं हमें
कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक कच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं। अक्सर पुरुष भी इस समय आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का एक बेहतर तरीका उसकी हत्थी स्त्रियों की जांच, क्योंकि महिलाओं को बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता था। याद रखिए, ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब भी लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हत्थी स्त्रियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हर स्त्रियों से काफी कोशिकाओं से काफी हड्डियों से ठीक जानता है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हस्तियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह देखा होगा। ठीक है, याद रखिए। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है इस समय। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितक, बारा, हिरण, कृष्णमेट, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई समय। ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्रित की जाती हैं। चीन। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ये देख रहे हैं, ठीक है। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाले हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या अब इस युद्ध जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरार पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी हो सकती थी इसमें। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनसे बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे अभी तक। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखे हैं उपयोगी शब्द, जैसे वेद देख ली, वेद देखा, प्रार्थना देखिए, भाषा, यज्ञ, ये राजा, दास, महापाषाण, कब्य देखिए, कंगाल, लोहा। ठीक है, वेदों की रचना कब हुई? लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों का निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले हुई। इनाम गांव से कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक ये आयुर्वेद चार 2000 साल पहले। अब आपको एक क्वेश्चन है, ठीक है, अभ्यास के लिए लगाते रहिए। ठीक है, आगे हम लोग, तो ये था हमारा फोर्थ नंबर चैप्टर, क्या बताती है हमें कब्रें, किताबें और कब्रें। अब आगे बात करेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। ठीक, याद रखिए।